नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। आज ईद मिलादुन नबी है, मनाने का क्या उद्देश्य? आज की तारीख बड़ी अहम तारीख है और बड़ी मुबर्रक तारीख है। आज ही की तारीख में हमारे आका मौला जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ लाए, उन्हीं की आमद की खुशी में हम और सारे मुसलमान जुलूस की शक्ल में उनकी बारगाह में खराज अकीदत और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी बारगाह में ये खराज अकीदत पेश करते हैं और ये भी एक ज़िक्र मीलाद है। और ज़िक्र मीलाद चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान पाक के ज़रिए बहुत सारी आयतों के ज़रिए ज़िक्र मीलाद फरमाया है, जब अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र मीलाद फरमाया है तो हम भी इस जुलूस के ज़रिए ज़िक्र मीलाद ही कर रहे हैं। ज़िक्र मीलाद चाहे महफिल पाक के ज़रिए हो, चाहे जलसों के ज़रिए हो, चाहे जुलूस के ज़रिए हो, ये ज़िक्र मीलाद है। और ज़िक्र मीलाद हर हाल में बाईस सवाब, बाईस रहमत, बाईस बरकत और मुस्तहसन और मुस्तहब है। इसीलिए हम जुलूस निकाल करके अपने नबी की बारगाह में इखराज अकीदत पेश करते हैं। देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं आज के दिन? तो मैं सारे देशवासियों को इस जुलूस से मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए एक पैगाम, एक मैसेज देना चाहता हूँ। चूँकि हमारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए तो आपने अमन का पैगाम दिया, शांति का पैगाम दिया। और आज भी उनकी जो हदीसें हैं और उनके जो अकवाल हैं, अगर आज भी दुनिया के लोग अगर उसको मान लें तो आज भी दुनिया में शांति पैदा हो सकती है। हमारे रसूल ने इरशाद फरमाया, खैरुन नास मन यकूनु नास, लोगों में सबसे वो इंसान बेहतर है जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। आज की दुनिया एक इंसान का दुश्मन बना हुआ है। आज के वक्त में एक मुल्क का दुश्मन बना हुआ है। आज एक कौम दूसरी कौम का दुश्मन बनी हुई है। मेरे रसूल का पैगाम देखो, मेरे रसूल ने फरमाया कि जो इंसान दूसरों के लिए भला सोचे, अच्छा सोचे, वही इंसान है। ये नहीं कहा वो मुसलमान अच्छा है जो मुसलमान के लिए भला सोचे। मेरे रसूल ने कहा वो आदमी अच्छा है जो किसी आदमी इंसान के लिए अच्छा सोचे। ये पैगाम, ये मैसेज अल्लाह के रसूल ने पूरी दुनिया को दिया है। और आज भी भाई चैलेंज कहता हूँ, अगर दुनिया से आतंक को मिटाना हो, दुनिया में अमन और शांति पैदा करना हो, तो मेरे रसूल का पैगाम अपने सीनों में बसाए और हर इंसान एक इंसान के लिए बेनिफिटेड, फ़ायदा मंद और मुफीद हो। इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया